हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका एक सबसे ज्यादा जरूरी वीडियो में। इस चैनल की आज तक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी वीडियो है आप सभी के लिए। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो बचे हुए 30 दिन है, इसमें आप श्योरली गारंटीड कैसे 95% लेके आने वाले हो। अब आप कहोगे सर आप टाइम टू टाइम ये वीडियोस बनाते रहते हो, वो मैं इसीलिए बनाता रहता हूं सो दैट कि आप लोग खुद पे बिलीव रखो, कभी भी डाउन फील ना करो। एक टीचर का, एक मेंटोर का, एक कोच का क्या काम होता है कि उसके जो स्टूडेंट हैं, उसके जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो कभी भी डाउन फील ना करें। देखो सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है ना, कहते हैं ना किसी भी वॉर में हथियारों से ज्यादा जरूरी होता है खुद पे बिलीव। वो महाभारत याद है ना भाई, कौरव थे, पांडव थे, एक क्या था उनके पास, पांडवों के पास श्री कृष्ण जी थे, वो पूरा युद्ध जिता दिया, खुद उनके पास सब कुछ था। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा, बट अगर आपके पास एक ऐसा टीचर है जिसने ऑलरेडी बहुत से बच्चों के 90+ दिलवाए हैं, तो वो आपको बता सकता है कि एंड में आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अब देखो इस वीडियो में मतलब सबसे जरूरी है बिलीव करना कि हाँ जो सर बोल रहे हैं हम वो मानने वाले हैं, देन मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए तो। अब ये मैटर नहीं करता कि आप लोग कहां पे स्टैंड करते हो, आप 0 पे स्टैंड करते हो, 10 पे स्टैंड करते हो, 20 पे स्टैंड करते हो, ये स्ट्रैटेजी हर एक बच्चे के लिए काम करेगी, हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो। अगेन मैं बोल लूंगा, वीडियो आपने एंड तक देखनी है, मतलब आप लोग एंड में पूरे जोश से भर जाओगे, आप खुद से बोलोगे कि यस सर हम लोग 95% लेके आने वाले हैं, उससे ज्यादा लेके आने वाले हैं या फिर उसके पास तो रहेंगे ही। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल पहले पॉइंट से बेटा जी। सबसे पहले जो सबसे जरूरी पॉइंट है, देखो इस वीडियो में मैं आपको 5 सुपर टिप दूंगा और एक 6 प्रो टिप दूंगा, बहुत ही ज्यादा कामयाब रहेगी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं बिलीव की, जो सबसे जरूरी है ना, जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो तो आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि यस मैं कर सकता हूं। कई बच्चे देखिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का लेवल बढ़ चुका, बहुत से बच्चों में, बहुत से बच्चे नेगेटिव है, सर मेरे आज तक अच्छे नंबर नहीं आए, सर मैंने अब तक स्टार्ट नहीं किया, क्या अब हो जाएगा? तो आंसर है यस। आप बहुत ज्यादा टाइम सोचने में वेस्ट मत करो, बहुत ज्यादा टाइम पढ़ने में लगाओ, वरिड बिल्कुल हो, कहते ना वो फल की चिंता भी मत करो। एक बार फल सोच लेने, एक टारगेट बना लिया ना कि मैंने 95% लाने हैं, अब उसकी स्ट्रेटजी में जुट जाओ। स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसे वैसे फॉलो करनी है आपने, बिल्कुल वैसे वैसे। अभी आपको जरूरत है आमिर खान, गजनी वाला आमिर खान बनने की, दूसरा थ्री इडियट्स वाला आमिर खान बनने की, तीसरा साइलेंसर बनने की, ये तीन आपको बनने हैं। साइलेंसर याद है ना, रट्टू पोपट, थोड़े से आपको रट्टे भी मारने पड़ेंगे। गजनी क्यों बनना पड़ेगा, गजनी होता था ना वो सब कुछ भूल जाता था, तो वो जगह जगह लिख के रखता था। अब ऐसे जगह जगह एम लिख के रखो, जितनी कॉपियां खोलते हो, मोबाइल है तो वहां पे भी आपका एम लिखा होना चाहिए, कहीं आप भूला ना हो जाओ। हर टाइम आपको अपना एम याद रहना चाहिए कि हाँ मुझे 95% लेके आने हैं। भाई जहां रूम में पढ़ते हो ना वहां पे लिखा होना चाहिए, जो कॉपी की स्टार्टिंग होती है वहां पे लिखा होना चाहिए। मैंने क्या बोला है, टेंशन इतनी हाई हो जानी चाहिए आपकी कि सपने में भी फिजिक्स केमिस्ट्री चलती होनी चाहिए। ये खुद पे बिलीव करो कि हाँ आप ला सकते हो और जुट जाओ। थ्री इडियट वाला रणछोड़दास चाचर भी बनना है, चीजों को समझना भी है, और जो चीजें समझ में नहीं आती वहां पे साइलेंसर रट्टू पोपट बन जाना है। देखो लाइफ में ये नहीं है कि सिर्फ रणछोड़दास चाचर ही सक्सेसफुल रहता है, ये भी नहीं है कि सिर्फ साइलेंसर सक्सेसफुल रहता है, आपको दोनों का हल्का हल्का सा आपके अंदर होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि कहां पे मुझे रट्टे मारने पड़ेंगे, जो चीज भाई याद ही नहीं हो रही और वो पता है कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो अब वो टाइम नहीं बचा कि आप लोग फुल डीप में जाके पढ़ो ना, टू दी पॉइंट भाई, रट्टे मार लो, 3-4 बार लिख के देख लो, बार बार उसकी प्रैक्टिस कर लो। वो समझते हो ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और एक बात मैं सच्चाई बोल रहा हूं बेटा, ये जो भी अपनी लाइफ में किसी भी मुकाम पे है ना, जो टॉपर्स है अपनी लाइफ में या जो किसी बिजनेस में टॉपर है, वो एक बात बोलते हैं और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जब भी आप किसी चीज को, किसी लक्ष्य को पूरी शिद्दत से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। जब आपने सोच लिया ना कि मैंने 95% लाने और आप मेहनत करने में लग गए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता बेटा जी। ये नहीं है सिर्फ सोचना नहीं है, उसमें मेहनत भी करनी है, बट वो बिलीव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगली बात पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, बट मैं पहले बोलूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो सो दैट कि आप वो 40-60% वाला बैरियर तो बिल्कुल स्ट्रांगली होल्ड कर लो कि हाँ यार अब मुझे कोई फेल करने वाला तो है नहीं, अब तो मैं इसे आगे ही जा रहा हूं, ठीक है। और 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करवाए हुए हैं, जब भी आप कोई चैप्टर करोगे पहले उन टॉपिक्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करोगे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग।
ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्या रहेगा, याद देखो वो 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने उठाए ना, पूरा डीप एनालिसिस करके 10 ईयर का तब उठाए हैं कि क्या सीबीएसई बोर्ड इंपॉर्टेंट मानता है, वो सब के सब उठाए भाई, ठीक है। खुद का एक्सपीरियंस डाला है, जो 6-7 साल हो गए ना पढ़ाते हो, खुद का एक्सपीरियंस डाला है कि हाँ यार ये आ सकता है, तो बेटा वो जरूर कर लेना। लास्ट ईयर इतने बच्चों के 90 लाइन में आए हैं, आपके कुछ सीनियर भी होंगे जो पढ़ के गए हैं। देखो पिछले साल तक चैनल इतना ग्रो नहीं किया था, इस साल ग्रो कर रहा है, तो इस साल मुझे पक्का भरोसा है कि 1000 से ज्यादा बच्चे अपने चैनल से 90+ लेके जाएंगे, ठीक है। अगली बात पे बढ़ते हैं बेटा, टाइम टेबल सबसे जरूरी जो आपका पोर्शन है ना इस टाइम है, टाइम टेबल कि ये टाइम को मैनेज किस तरह करना है। इस टाइम को आप लोग पैसों के हिसाब से समझो, एक भी सेकंड वेस्ट, देखो सब चीजें वापस आते हैं, टाइम वापस नहीं आते, ये सच्चाई है। और जो टाइम की कदर नहीं करते, टाइम उनकी कदर नहीं करता। बट अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर आपके पेपर्स की एंडिंग अच्छी होगी ना, सब कुछ एंडिंग है, अच्छी है, समझ लो। तो टाइम टेबल मैं बोल लूंगा कि टाइम टेबल क्या करो, बिल्कुल बेस्ट बता रहा हूं, हर एक बच्चे इसको फॉलो कर सकता है। अपने टाइम टेबल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, ये इन 3 हिस्सों में आपने 1-1 hour देना है, 1-1 घंटा देना है। सुबह का 1 घंटा देना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, 3 घंटे देने, बट ये 3-3 घंटे अलग अलग टाइम होने चाहिए। सुबह का बिल्कुल फ्रेश माइंड होगा, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई चीजें ऐसी होती हैं जो स्टोर करनी है माइंड में, बिल्कुल फ्रेश होगा, कोई नई चीज नहीं होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगाओ, 45 मिनट पढ़ो, 15 मिनट उसको रिवाइज करो टहलते महलते, फिर आप लोग पढ़ो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो दोपहर का 1 घंटा है, और लास्ट का जो इवनिंग का या नाइट का 1 घंटा है उसमें आप लोग पढ़ो फिजिकल केमिस्ट्री, उसके न्यूमेरिकल भी करो, क्लियर है। टाइम टेबल बेटा जी ऐसा ही बनाना, प्लीज मेरी बात मान लेना, बहुत ज्यादा तुम लोग खुद इसमें नोटिस करोगे यार, 2-3 दिनों में तुम्हें फर्क दिखने लगेगा कि हाँ अब मुझे चीजें याद होने लगी हैं। देखो करना क्या है भाई, 95% लाने के लिए करना क्या है, आपको डेली 3 नंबर की तैयारी करनी है, गिन के 95 घंटे देने, 95 घंटे में 95 नंबर कैसे आएंगे उसके लिए मैं बता रहा हूं। सुबह ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना ज्यादा टाइम तक याद रहेगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ने वाला है, जो चीज पढ़ के याद नहीं होती उसके रट्टे मारने हैं, वो जो 15 मिनट का मैं हर बार बोलता हूं ना गैप लो उस गैप में, ठीक है। शाम वाला जो 1 घंटा उसमें से 45 मिनट पढ़ो और 15 मिनट में MCQ जरूर लगाओ, डेली 10 से 20 क्वेश्चन के MCQ जरूर करो, इस साल पैटर्न चेंज हुआ है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको साइलेंसर बनना है, क्यों बोल रहा हूं कि रणछोड़दास चांचड़ बनना है, क्योंकि MCQ के लिए आपको रणछोड़दास चांचड़ ही बनना पड़ेगा, कंसेप्ट को थोड़ा समझना भी पड़ेगा। क्या सर रट्टे काम नहीं आएंगे, बिल्कुल काम आ जाएंगे, अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं आ रही उसका रट्टा मार लो, बाकी मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से करा रखा, पूरी +2 की केमिस्ट्री मैंने करवा दी है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, 1-1 चैप्टर 1-1 टॉपिक करवा दिया है, आप देखने वाले बना, आप ये एक्सक्यूज नहीं बना सकते सर हमारे पास कोई है नहीं, मैं हूं, बड़ा भाई मानते हो टीचर मानते हो, मैं हूं साथ में और हाथ भी छोड़ने वाला एंड तक। चलो अगली बात करते हैं, MCQ के लिए मैंने बोला आपको डेली 15 से 20 मिनट दो, डेली दो, ठीक है। और MCQ कहां से करें, एग्जाम्पलर से कर लो, बेस्ट है। उसके अलावा एग्जाम आइडिया आपने नहीं लिया, अपने दोस्त की किसी के पास है वहां से फोटो स्टेट करवा लो, ठीक है। एटलीस्ट एग्जाम्पलर के MCQ की, सॉरी एग्जाम आइडिया के MCQ की तो जरूर हो, वो 2 MCQ अच्छे से कर लेना। अगली बात करते हैं तो सबसे जरूरी हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क। तो खैर मैं एक बात बोलूंगा, अगर आप बहुतों की भीड़ से अलग दिखना चाहते हो ना, तो बहुतों की भीड़ से आपको अलग मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैंने बोला ना आपको गजनी बनना है, हर टाइम आपको एम याद रहना चाहिए आपका, दैट कि आपको 95% लेके आना, आपको 90% लेके आना, जो भी एम है हर टाइम वो एम आपका माइंड में कोलैप्स करे। और देखो यार कुछ सुपर नेचुरल पावर होती है, जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से करते हो ना, वो चीज आपको लगाते हो साइड कि नहीं भाई तू गलत जा रहा है, तू डिस्ट्रैक्ट कर रहा अपने आपको, नहीं नहीं ये गलत है, आपका माइंड आपको बार बार फोर्स करता है कि नहीं उस साइड मत जा भाई, तेरा एम ये है। स्मार्ट वर्क के लिए मैं ये बोलूंगा कि आपको ये देखो, जो टॉपिक नहीं बनने वाले आप किसी टॉपिक को डीप में एनालाइज मत करो, ये नहीं है कि आपने उस टॉपिक में PhD करनी है, सिर्फ उतना पढ़ो जो बोर्ड के लिए इनफ है, JEE मेन JEE एडवांस वो एक बार बोर्ड के बाद देख लेंगे, ठीक है। प्लीज अभी सिर्फ बोर्ड तक का एम रखो, बोर्ड में 95% आ जाएंगे, बहुत से कॉलेज में, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएंगे, बहुत कुछ लाइफ में भाई सेटल हो जाएगा, ठीक है। बहुत प्राउड फील करने को मिलेगा मुझे, आपको, सबसे जरूरी आपके पेरेंट्स को, और ये आपके हाथों में है सब कुछ और कर सकते हो आप लोग। अब देखो यार, अब आपको ये पता होना चाहिए, देखो सबसे मुश्किल बच्चों को ऑर्गेनिक लगती है, फिर इनऑर्गेनिक लगती है, फिर फिजिकल लगती है। ऑर्गेनिक 28 नंबर की है, इनऑर्गेनिक 19 नंबर की है, फिजिकल
23 नंबर की है। अगर ऑन एन एवरेज लगाए तो फिजिकल का हर चैप्टर आपको 6 नंबर का पड़ता है, इनऑर्गेनिक का हर चैप्टर आपको 5 मार्क्स का पड़ता है, और ऑर्गेनिक का हर चैप्टर आपको लगभग 4 नंबर का पड़ता है। तो डेली अब यहां से देखो सबसे ज्यादा स्कोरिंग ऑर्गेनिक है। मैं मानता हूं ऑर्गेनिक में कुछ मुश्किल है, बट आप वो मत देखो ना यार, आप वो देखो कि इस चैप्टर में से बन क्या सकता है। एक टॉपिक है जिसको कभी छेड़ेंगे उसको मत पढ़ो सर, हमें कैसे पता लगेगा, मैंने बताया इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। और जब आपका टाइम बच जाए तो एक्स्ट्रा भी पढ़ लो, और प्लीज 1% भी नेगेटिव मत होना, 1% भी नेगेटिव मत होना, बिलीव रखना खुद पे। अभी ये तो बात हुई 5 टिप्स की, बेटा इनको जो कर लेगा ना उसके नंबर कम नहीं आने वाले, बस ये थोड़ी खुद से मेहनत करनी है। लास्ट टिप की बात करूंगा कि जो बच्चे थोड़ी सी फीस खर्च कर सकते हैं, जो बच्चे थोड़े से पैसे खर्च कर सकते हैं उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए सुपरविजन बैच लास्ट 30 डेज के लिए। मैं आपको एक बार सुपरविजन बैच में बता देता हूं कि इसमें क्या होगा। इसमें मैं आपको पर डे का टाइम टेबल दूंगा, पर डे का, शाम को मैं सोचूंगा तुम्हारे लिए कि तुमने क्या पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ने हैं, डेली ऑर्गेनिक में ये पढ़ना है, डेली इनऑर्गेनिक में ये पढ़ना है, डेली फिजिकल में ये पढ़ना है, और इसी वे में होगा ये। जो बच्चे नहीं सुपरविजन बैच ज्वाइन कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, बोर फतेह सीरीज चल रही है और वो चलती रहेगी। जो बच्चे थोड़ा सा सोच सकते हैं कि ठीक है सर हमारे लिए 1100 बड़ी बात नहीं है, बट हम चाहते हैं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि सुपरविजन बैच करते 90% आ जाएंगे, वो तभी आएंगे जब आप डेली 3 घंटे देने को तैयार हो, फुल डिवोटेड होके कि हाँ हम 3 घंटे देंगे, जो सर बोलेंगे हम वो पढ़ेंगे, तब मैं गारंटी लेता हूं कि 90% आएंगे, गारंटेड। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें मैं आपको क्या कराऊंगा, डेली का टाइम टेबल। डेली इसमें क्या है, डाउट सेशन है, आप लोग डेली इवनिंग में मुझसे कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो कि सर मेरे से यह टॉपिक नहीं हो रहा, मैं यहां पर प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपको कॉल करूंगा कि हाँ भाई अभी इसको ऐसे करना, अभी इसको ऐसे करना है। और देखो सारे के सारे कंसेप्ट तो होंगे ही, ठीक है, सारे के हैंड रिटन नोट्स तो होंगे ही, सारे की एनसीईआरटी तो होगी ही, ठीक है, और सारे के क्या होगा भाई, सैंपल पेपर करवाऊंगा इस साल। सबसे जरूरी जो है आपको सैंपल पेपर करना, पिछले साल तक सैंपल पेपर जरूरी थे बट इस साल सैंपल पेपर जरूरी है, कम से कम 10 सैंपल पेपर मैं आपको इसमें करवाऊंगा, शायद कुछ मिसिंग नहीं है, मतलब इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा, इससे ज्यादा होगा। एग्जाम्पलर के एमसीक्यू बोल दिए ना, नहीं बोल रहे तो लो एग्जाम्पलर के एमसीक्यू करवाऊंगा। सिर्फ 1100 पे करने हैं आपने, और कुछ भी आपकी क्वेरी है आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो 8950499662 पर, इस नंबर पे आपकी कोई भी क्वेरी है मुझे व्हाट्सएप करो कि सर मैं सुपरविजन बैच के बारे में ये डाउट है। अब बात करें, अगर मैं आपको एक स्मार्ट रिविजन की स्ट्रेटेजी बताऊं क्या करना, जो बच्चे सुपरविजन बैच नहीं ज्वाइन कर सकते उनके लिए बोलूंगा, जो ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल ज्वाइन करें, मोस्ट वेलकम है, जो नहीं ज्वाइन कर सकते कोई इश्यू नहीं है, उनको मैं ये बोलूंगा बेटा जी आपने करना क्या है। मैंने चैप्टर वाइज वन शॉट बनवा रखे हैं, अब वन शॉट को देख के प्रीवियस ईयर करना, वन शॉट को देखना 1.5x की स्पीड में, ठीक है 1.5x की स्पीड में देखना, और फिर देखना आपसे हो रहा नहीं हो रहा, जहां पे आप अटक रहे हो, जहां पे भी आपको डाउट आ रहा है उसके लिए डीप कंसेप्ट देख लो, कंसेप्ट की वीडियोज भी तो बनाई रखी है। एंड आई नो कि आप लोग 95% लाओगे, मुझे पूरा भरोसा है अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो, और टेंशन मत लो बिल्कुल, पेपर के दिन तक साथ में हूं और पेपर के बाद में भी, कोई बात नहीं, वो कॉलेज वॉलेज में क्या करना वो सभी बातें हम डिस्कस करेंगे, बट अभी तो हमारा जो एम है वो सारे का सारा बोर्ड पे है। बेटा पॉजिटिव रहो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील आपने करवाना है, नेगेटिव होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फालतू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करना है और बोर्ड में बहुत अच्छा करने वाले हो, मैं पूरा शोर हूं, आप लोग भी शोर हो जाओ, गर्मी बनो, एम को याद रखो, ठीक है, ये टाइम टेबल फॉलो करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले, उसके बाद आप लोग क्या करने वाले हो, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाओ, ठीक है। चलिए ऑल दी बेस्ट, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, और किन किन टॉपिक से वीडियो आते हो, कहां कहां पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो बताओ कमेंट सेक्शन में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।